एनसीईआरटी की तरफ से रेगुलर बेसिस के टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट आखिरकार आ ही गई है। बड़ा लंबा इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट का, तो बड़ी रिक्रूटमेंट है। बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा, और सभी प्रकार के टीचिंग जॉब्स की अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे और फिर इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हमेशा की तरह सबसे पहले देखिए ऑफिशियल वेबसाइट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की, ncert.nic.in। यहीं पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहीं पे आपको इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 171/2020। तो ये देखिए, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 266 वेरियस एकेडमिक पोजीशंस अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यू फॉर इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया। दीज पोस्ट आर ट्रांसफरेबल अमंगस्ट द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ काउंसिल लोकेटेड इन अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और न्यू दिल्ली। इन छह जगह के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है और इन छह जगह के बीच में आपका कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। टोटल वैकेंसियां 266 हैं। पोस्ट एंड वैकेंसीज की डिटेल यहाँ दी गई है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ रिक्रूटमेंट है। यहाँ सब्जेक्ट दे दिया गया है किस सब्जेक्ट के लिए है और ये स्पेशलाइजेशन दे दी गई है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं और स्पेशलाइजेशन बता देता हूं। साइकोलॉजी में है एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एजुकेशन में है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, साइकोमिस्ट्री, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन के लिए है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, टीचर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन सोशल साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, कंपेरेटिव एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट, कोरिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च पॉलिसी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीडिया रिसर्च एंड इवेल्युएशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ग्राफिक मल्टीमीडिया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीडिया प्रोडक्शन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑडियो वीडियो मीडिया प्रोडक्शन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल स्टैटिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉपुलेशन स्टडीज, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, आर्ट एजुकेशन, आर्ट्स, लैंग्वेज एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, होम साइंस, बायो साइंस, बायो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, सिक्योरिटी, डिफेंस, साइंस, मिलिट्री साइंस। तो ये है वैकेंसियों की डिटेल, यहाँ टोटल दे दी गई है। फूड टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी यहाँ रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसियां प्रोफेसर की 39, एसोसिएट प्रोफेसर की 83 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 144 वैकेंसियां हैं। बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। पे स्केल है प्रोफेसर का 37,400 से 67,000, एसोसिएट प्रोफेसर का 37,400 से 67,000, असिस्टेंट प्रोफेसर का 15,600 से 39,100 और जो क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग होंगी। प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी होनी चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में और नेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। ये है क्वालिफिकेशन इनके लिए। आप देख सकते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे फिजिक्स की यहाँ बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर एमएससी इन फिजिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर एमएससी इन फिजिक्स विद 55% मार्क्स, पीएचडी इन फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी इन फिजिक्स विद 55% मार्क्स, नेट इन फिजिक्स। तो देख लीजिएगा, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होनी चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका नेट क्लियर होना आवश्यक है। तो आपको सब्जेक्ट मैंने सारे बता दिए हैं, आप वहां से सब्जेक्ट देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन वीडियो में बताना संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।
तो उसका कोई फायदा नहीं है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आपके काम का सब्जेक्ट है, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ncert.nic.in पे ही जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। और जहां तक अंतिम तिथि है 3/8/2020 शाम 5 बजे तक आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ₹1000 एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व्ड मेल, ओबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, और SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।